हेलो पीपल, कैसे आप सभी लोग? आप रीडिंग एब्सोल्युटली फाइन। छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेरीज इसके रिगार्डिंग आ रही है। कल और आज बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की इस बारे में कि सर, हमने सितंबर 2024 एग्जाम में सिंगल ग्रुप के लिए अपियर करना चाहिए या दोनों ग्रुप के लिए अपियर करना चाहिए। तो देखो यार, थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को समझते हैं। क्या समझते हैं? क्रोनोलॉजी को समझते हैं थोड़ा सा। कैसे समझना है, देखो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हमने जिसके बारे में सोचना चाहिए वो ये है कि जो भी हम अनसक्सेसफुल रहे हैं, जो भी अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ हुआ है, तो ये किस कारण से हुआ है। कुछ स्टूडेंट से बात करके मुझे ये समझ आया कि यार पढ़ाई सब की थी, कॉन्फिडेंस पूरा है, दोनों भी ग्रुप में कॉन्फिडेंस है, बट यार वो थोड़ा लक फैक्टर बोलते हैं या कहीं कुछ थोड़ी सी कमी रह गई। बट मुझे पता है सर क्या कमी रह गई, भले खुद से पता किया मैंने, टीचर की मदद से किया, जो भी मुझे पता है सर, और मुझे उतना ही सिर्फ सुधारना है। और मेरे लिए सर ये जितना भी समय है ना, ये काफी है। अगर वो पॉइंट देखा जाए तो उस सबसे यू कैन गो अहेड विद बोथ दी ग्रुप्स, डेफिनेटली राइट। अगर आप ऐसा व्यक्ति हो जिन्होंने अभी एक ही ग्रुप का एग्जाम दिया था, बट आपने एग्जाम देने के बाद तुरंत से दूसरे ग्रुप की पढ़ाई चालू कर दी थी, और आप एक सफिशिएंट पोजीशन पे हो अभी जहां पे आपको कुछ भी नया नहीं दिखना है, जो भी है उसी को बस रिवाइज करना है। मे बी टेस्ट लगाए हो आप, टेस्ट वगैरह दे रहे हो, वो देना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट, मैटर ओवर। उस केस में भी आप दोनों ग्रुप के लिए सोच सकते हो। बट अगर ये वाली केस में जो मैं बात कर रहा था, यहां पर अगर ऐसा सिचुएशन है कि सर एक ग्रुप पहले पढ़ा था, उसके बाद उसको रिवाइज नहीं किया, अभी एक ही ग्रुप दिया था और वो जो दूसरा ग्रुप है वो अभी तक पेंडिंग है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, रिजल्ट तक, एग्जाम के बाद रिजल्ट तक उसके ऊपर पढ़ाई नहीं की ज्यादा, तो अब मैं क्या करूं सर? उस केस में भी आपने दोनों ग्रुप नहीं देने चाहिए, बिकॉज आप उस चीज को जो 6-8 महीने पहले पढ़े हुए हो वो शायद आप रिकॉल नहीं कर पाओगे इमीजिएटली। आपको समय देना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा समय गुजारना पड़ेगा, उसके बाद आप उस पोजिशन पे आओगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है कि हमने ये एक्सेप्ट करना होगा कि भाई अगर मैं अभी दोनों ग्रुप के लिए जाता हूं तो हो सकता है जो ग्रुप मेरा क्लियर होता वो भी नहीं होगा, और दूसरा ग्रुप तो वैसे भी क्लियर नहीं होना था, बट मुझे घाई है सीए बनने की, तो मैं फटाफट 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 बोल रहा हूँ यार दे दूं वो ग्रुप, दे दूं मैं राइट। तो प्लीज इस बात को समझिएगा, ये जो सितंबर अटेम्प्ट लाया गया है ना, ये इसी कारण से लाया गया है कि आप घाई ना करें बट एक एक करके फटाफट ग्रुप दे सको। तो उस केस में आप एक ग्रुप चूज करिए। और सर अगर आप एक ग्रुप ही दिए थे अभी, दूसरे ग्रुप की पढ़ाई हुई नहीं है, फिर तो सिंपल है, दूसरे ग्रुप की पढ़ाई इतने दिनों में तो होने नहीं वाली है, रिवीजन वगैरह करना है ठीक है, तो उसके लिए समय लगेगा। एक और बात यहां पे जरा सा ये सोचिएगा, जो भी ग्रुप आप अभी दोगे, कोई भी एक ग्रुप आपका जो भी आप देने वाले हो, वो एक ग्रुप देते ही तुरंत आपने रिलैक्स नहीं होना है, आपने आपके दूसरे ग्रुप की पढ़ाई चालू कर देनी है ताकि जब इसकी रिजल्ट आ जाए आप दूसरे ग्रुप के लिए रेडी हो जनवरी में राइट। तो ये माइंडसेट थोड़ा सा क्लियर रखिए कि मुझे घाई नहीं करनी है। वैसे मेरा अटेम्प्ट डायरेक्ट नवंबर में था, अब इंस्टीट्यूट ने मुझे दो अटेम्प्ट बांट के दे दिए, उसमें से एक है सितंबर में जहां मैं एक ग्रुप जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूं बट बाय सम चांस मैं क्लियर नहीं कर पाया उसको क्लियर कर लेता हूं, और फिर मुझे अच्छा गैप मिल जाता है एग्जाम देते ही सितंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने पढ़ने का, और उसमें मैं पढ़ के मेरा जो पेंडिंग ग्रुप होगा वो मैं जनवरी में निकाल दूंगा। तो इन बातों को प्लीज समझिएगा। एट द सेम टाइम एक और मिस्टेक जो मैं बात करते समय समझ रहा हूं जो स्टूडेंट कर रहे हैं, वो पूरे 2 महीने 60 दिन गिन रहे हैं। आप थोड़ा सा सोचिएगा, पूरे 60 दिन तो पढ़ाई होने नहीं वाली है, वो क्या कर रहे हैं काफी बच्चे, सर देखिएगा सर 60 डेज मल्टीप्लाई बाय सर 12 आवर्स, तो आई हैव सो मेनी नंबर ऑफ आवर्स, आई कैन डू इट। बेटा कॉन्फिडेंस बढ़िया है, अच्छा है, सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मानता हूं आपकी बात को, बट प्रैक्टिकली सोचिए, ये 60 में से ना सर 15 दिन तो यूं ही चले जाएंगे, त्योहार है इतने सारे, शायद शादी वगैरह होगी आपके घर पे किसी की, वहां समय जा सकता है। सर नहीं मैं बैठ के पढ़ूंगा, आप बैठ के पढ़ोगे भी ना त्योहारों में या शादी में या जो भी चीजों में, दिक्कत यह है यार दिमाग उतना काम नहीं करता, उस तरीके से काम नहीं करता जिससे करना चाहिए, क्योंकि हम ऑब्वियसली यार ऐसा लगता है यार हम शायद वहां होते, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। ये तो मैंने आपको सिर्फ बात की अदर देन स्टडीज, स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे ना यार, तो 60 डेज कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप कोई भी नहीं पढ़ सकता, तो अभी भी आपको थोड़ा सा गैप लगेगा। मैंने लास्ट वीडियो में जो प्रिपरेशन वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने यही कहा था कि यार एडिक्वेट ब्रेक लीजिएगा। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है कि जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो और आप फिर से दोहराओगे, मैंने वो मिस्टेक्स वहां पे निकाल करके थोड़े से दिए हैं सो दैट ये मिस्टेक्स रिपीट ना हो वापस से, तो मेक श्योर करिएगा थोड़ा सा आप उस चीज पे ध्यान दे एंड उस चीज को अकॉर्डिंगली आप कंसिडर करें। तो व्हेन आई सेड 2 मंथ्स, तो यार ये जरूरी नहीं है 2 महीने बाकी है, यहाँ पे एक्चुअल में यार समवेयर अराउंड 45 to 50 डेज ही मिल रहे हैं हाथ में, तो उसके हिसाब से आप प्रैक्टिकली सोचिए क्या मैं दो ग्रुप इंटरमीडिएट के दे पाऊंगा, अगर नहीं तो एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड विद अ सिंगल ग्रुप, एंड आपको उसके बाद ढीला नहीं पड़ना है, इमीडिएटली आपने क्या करना है सर, दूसरे ग्रुप की पढ़ाई चालू कर देनी है, सो दैट जनवरी में वापस से वो सिचुएशन ना आए जहां पे हम आज खड़े हैं ठीक है। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, एंड
पढ़ाई अच्छे से करिएगा, कुछ भी जरूरत लगे तो मैं हूँ, आप मैसेज करिएगा डेफिनेटली। नीचे आप हमारा मेंटरशिप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम फ्री सेशंस लेते हैं, यूजुअली 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस वाले, सो यू कैन ज्वाइन इन। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।